प्रिय मित्रों, आज हम लोग आंग्ल मराठा संधियों के अंतर्गत मंद स्वर की संधि का अध्ययन करेंगे। अंग्रेज मराठा संघर्ष के बीच होने वाली प्रमुख संधियां: सूरत की संधि 1775 ईस्वी, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी, बसीन की संधि 1802 ईस्वी, पूना की संधि 1817 ईस्वी, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी। अंग्रेजों तथा मराठों के बीच मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक लड़ा गया। दूसरे अंग्रेज़ मराठा युद्ध के परिणाम से ना तो किसी मराठा सरदार को संतोष हुआ, ना पेशवा को। उन सबको अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा छिन जाने से खेद हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय षड्यंत्रकारी मनोवृत्ति का तो था ही, उसने अविचारपूर्ण रीति से अंग्रेज़ों को जो सत्ता सौंप दी थी उसे फिर प्राप्त करने की आशा से 1817 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठा सरदारों का संगठन बनाने में नेतृत्व किया और इस प्रकार तीसरे मराठा युद्ध का सूत्रपात किया। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया। अंग्रेज़ों ने नवंबर 1817 में महादजी शिंदे के साथ ग्वालियर की संधि की, जिसके अनुसार महादजी शिंदे पिंडारियों के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करेगा। साथ ही यह भी कि महादजी शिंदे चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम के राज्यों पर से अपना प्रभाव हटा लेगा। जून 1817 में अंग्रेज़ों ने पेशवा से पूना की संधि की, जिसके तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी। इन संधियों के पहले ही संपन्न हुई मई 1816 ईस्वी की नागपुर की संधि को भोंसले ने अब स्वीकार कर लिया। कालांतर में संधि का उल्लंघन करते हुए पेशवा, भोंसले एवं होलकर ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। परिणाम स्वरूप किरकी में पेशवा, सीताबर्डी में भोंसले एवं महीदपुर में होलकर की सेनाओं को अंग्रेज़ों की सेना ने बुरी तरह पराजित किया। इन संघर्षों के बाद मराठों की सैन्य शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त हो गई। जनवरी 1818 ईस्वी में होलकर ने अंग्रेज़ों से मंदसौर की संधि की, जिसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर से अपने अधिकार वापस ले लिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अंटी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को ही समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहाँ पर 1853 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही था। तो चलिए हम लोग अपनी उस महत्वपूर्ण युक्ति को देख लेते हैं, जिसके माध्यम से हम मंदसौर की संधि को याद रख सकते हैं। होलकर ने अर्पण किया सॉरी बोलकर, बाजीराव ने आत्मसमर्पण किया हारी बोलकर। व्याख्या: होलकर से हमारा तात्पर्य होलकर, सॉरी से मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 ईस्वी को हुई थी, बाजीराव से हमारा तत्पर बाजीराव द्वितीय से है, आत्मसमर्पण से आत्मसमर्पण। बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण जून 1818 ईस्वी में किया था। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह अवश्य पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य युक्ति के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। शास्त्र सुना रहे थे।
अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है, यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वो अपराधी भी हो, तो संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। जाओ जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। शास्त्र सुना रहे थे? अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है, यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वो अपराधी भी हो, तब संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। जाओ जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं।